कि सिद्धू कैंप के लोग नहीं चाहते कि सुनील जाखड़ सीएम के पद पर बैठे। वहीं प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर भी कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें राजकुमार वेरका और सुखजिंदर रंधावा का नाम जो है वो सबसे प्रमुख रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंबिका सोनी, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि लगभग उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया है और वो बन सकती हैं सीएम, लेकिन फिलहाल अंबिका सोनी ने इनकार कर दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। Who are the front runner? Because yesterday we have seen that Sunil Jakhad and Sukhjinder Singh Randhawa, they are the main prominent names which are the front runner. See, ultimately, it all depends on the high command. I have nothing to say on. So, Ambika Soni's name, Ambika Soni's name is also come up. Where I don't know. Because ये तो basically prerogative ही high command का है, हम उसमें क्या दखल? विधायक दल की जो बैठक होनी थी वो रद्द हो गई है सर। नहीं, विधायक दल की बैठक तो कल हो गई है। Okay, जब मैंडेट दे दिया गया है तो उसमें मेरा ख्याल दोबारा विधायक दल की मीटिंग की जरूरत है। ओके, एंड देयर विल बी अ डायरेक्ट अनाउंसमेंट आफ्टर दिस। आई थिंक सो। एंड टुडे इट इज एक्सपेक्टेड दैट टुडे बाय हम एक्सपेक्ट करते हैं आज आज तो नाम की घोषणा हो जाएगी सर। वी कैन सी दैट दिस इज परफेक्ट। तो दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा सत्येंद्र का रुख करते हुए, सत्येंद्र क्या ताजा अपडेट, क्योंकि अंबिका सोनी को लेकर तो जो जानकारी मिल रही है उन्होंने इनकार कर दिया, जाखड़ को सिद्धू का खेमा नहीं चाहता कि वो मुख्यमंत्री बने, तो क्या ऐसे में अब सिद्धू ही सबसे ज्यादा आगे है क्या रेस में? देखिए, माथा पच्ची लगातार जारी है। अगर